आज का हमारा जो लेक्चर है वो है केमिकल हैज़र्ड्स, जो कि एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स का पार्ट टू है। तो ये हम देखते हैं कि कौन कौन से केमिकल हैज़र्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं। सम केमिकल कैन कॉज कैंसर्स, म्यूटेशन एंड बर्थ डिफेक्ट। इसमें टॉक्सिक केमिकल इज़ वन दैट कैन कॉज टेम्पररी और परमानेंट हार्म और डेथ टू ह्यूमन एंड एनिमल्स। टॉक्सिक केमिकल क्या होता है? एक ऐसा केमिकल होता है जो कि परमानेंट आपको नुकसान पहुंचाता है, एनिमल्स को या ह्यूमंस को, या फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। 2004 EPA, जिसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हम कहते हैं, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक आर्सेनिक, लेड, मरकरी, विनाइल क्लोराइड जो कि प्लास्टिक्स में यूज़ होता है, और पॉली क्लोरीनेटेड बाईफिनाइल्स जिसे PCBs हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इन्हें EPA ने 2004 में टॉप 5 टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है ना करार दिया इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ पोटेंशियली टॉक्सिक एजेंट्स, जिसमें पहला है कार्सिनोजेंस। ये क्या है जी? आर केमिकल्स, टाइप्स ऑफ रेडिएशंस और सर्टेन वायरसेस। ये या तो ये जो है ना एक टाइप की रेडिएशन है, या फिर केमिकल्स हैं, या इसे हम वायरस कह सकते हैं जो कि प्रमोट करता है कैंसर को। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, जो कि हमारे पास मेजर इंडोर प्लूटेंट है, एयर प्लूटेंट जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी म्यूटेजन्स। आर केमिकल्स आर फॉर्म्स ऑफ रेडिएशंस दैट कैन कॉज म्यूटेशंस, जो कि हम या फिर हमारे DNA मॉलिक्यूल्स की सेल्स को जो है वो चेंज करता है, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है उन्हें कम करता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास टेराटोजेंस, आर केमिकल्स दैट कॉज हार्म और बर्थ डिफेक्ट। एक ऐसा केमिकल है जो कि बर्थ डिफेक्ट कर सकता है न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। ये इस वजह से होता है कि अगर आप ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो जो विमेन है जो कि जिसने बेबी को बर्थ देनी है, अगर वो ज़्यादा अल्कोहलिक है तो बच्चा जो हो सकता है वो आपको किसी भी किस्म का उसे डिफेक्ट हो सकता है। आवर बॉडी इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीजेस, ठीक है। एंटीबॉडीज़ हम बना सकते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ हमारा जो जिसमें है वो डिवेल्प कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो इस प्रोसेस में इंटरफेयर करते हैं, जिसमें आर्सेनिक है, मिथाइल मरकरी है एंड डाइऑक्सिन्स हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे हैं सिंथेटिक केमिकल जो कि एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, नेचुरल भी हैं सिंथेटिक भी हैं, जिन्हें हम न्यूरोटॉक्सिन्स कहते हैं, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को जो है अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, रिटार्डेशंस हो सकती हैं, पैरालिसिस हो सकता है, या फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स न्यूरोटॉक्सिन्स की हैं PCBs जो कि हमने पीछे पढ़ा, पोली क्लोरीनेटेड बाईफिनाइल्स, मिथाइल मरकरी है, आर्सेनिक है, लेड और सर्टेन पेस्टिसाइड्स हैं। EPA की रिपोर्ट के मुताबिक एस्टिमेट जो उन्होंने किया कि अबाउट 1 in 12 वुमेन एट अ चाइल्ड बेरिंग एज, वो जो है ना अपने अंदर मरकरी उनके ब्लड के अंदर डिवेल्प हो जाता है, जो कि नुकसानदेह है। ये है जो है ग्रेटर रिस्क फ्रॉम एक्सपोजर टू लो लेवल्स ऑफ मिथाइल मरकरी इन ब्रेन डैमेजेस फिटस एंड यंग चिल्ड्रन, जो कि आपके जो यंग चिल्ड्रन हैं या न्यू बॉर्न हैं उनको जो है ना उनके ब्रेन को डैमेज कर सकता है। मिथाइल मरकरी जो है मे हार्म द हार्ट, हार्ट को, या फिर किडनीज प्रॉब्लम हो सकती हैं, या फिर अडल्ट का इम्यून सिस्टम मुतासर हो सकता है इससे। APA ने एडवाइस किया जो कि मदर्स थी या प्रेगनेंट वुमेन थी, कि उन्हें जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो जो है ना शार्क कम से उसके जो कंजम्पशन है वो कम कर दें, ठीक है। इसके अलावा जो ये स्वॉर्ड फिश है वो कम से कम खाएं, और भी बहुत सारी ऐसे जो केमिकल्स हैं जिनमें ऐसी फूड हैं जिसमें ये मरकरी मौजूद है, उसको कम से कम उसका यूज़ करें। 2003 में UN इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने रिकमेंड किया कि कोल बर्निंग पावर प्लांट्स हैं या जो उनका वेस्ट है उनको जो है ना कम से कम किया जाए,
जितना मुमकिन हो सके। अदर रिकमेंडेशंस आर टू रिड्यूस आर एलिमिनेट मरकरी इन द प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज, जो बैटरीज में मरकरी है उसको रिड्यूस किया जाए, पेंट्स में है या क्लोरीन में है, 2020 से पहले पहले इसको रिड्यूस कर दिया जाए। कौन से ऐसे वेज हैं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं मरकरी पोल्यूशन को? इसमें हमारे पास है जी प्रिवेंशन जो हैं, फेज आउट वेस्ट, इंसिनरेशन है, फिर कंट्रोल है जी, शार्पली रिड्यूस मरकरी इमिशन फ्रॉम कोल बर्निंग पावर प्लांट्स हैं जो, उनसे हम जो है ना रिड्यूस करें मरकरी जो इमिशन है उसकी, और या फिर हम कोल से पहले जो है ना मरकरी रिमूव कर लें फिर उसे बर्न करें। इसके अलावा जो हमारे पास जो बैटरीज हैं, बैटरीज के सेल्स वगैरह हैं, इनमें जो मरकरी है इसे हम रिसाइकल करें डिस्पाइट द बर्निंग, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ हम जाएं फ्रॉम द कोल टू नेचुरल गैस। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे ह्यूमन सिस्टम को जो है ना ख़राब करते हैं या फिर उनकी प्रोडक्टिविटी जो है उसको मुतासर करते हैं, जिसमें हमारा रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, लर्निंग एबिलिटी हो सकती है या फिर बिहेवियर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोनली एक्टिव एजेंट्स आर सिंथेटिक केमिकल्स दैट डिसरप्ट, जो हार्मोनली एक्टिव एजेंट्स हैं जिसे हम HAA कहते हैं, वो सिंथेटिक केमिकल्स हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को, ह्यूमन नर्वस सिस्टम है या फिर एनिमल जो नर्वस सिस्टम है उसको मुतासर करते हैं। इसके एग्जांपल जो हैं वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें DDTs है, PCBs है, मरकरी है, फिथेलेट है या बायफिनॉल ए है। इससे अलावा जो थायराइड डिस्टर्ब्स काज ग्रोथ, जो थायराइड हमारे जो डिस्टर्ब्स होते हैं वो हमारी क्या है जी मुतासर करते हैं हमारी ग्रोथ के, वेट को, ब्रेन या फिर बिहेवियरल डिसऑर्डर को। बायफिनाइल ए जो है वो प्लास्टिक्स की या बेबी बोटल्स हैं या फिर वाटर बोटल्स हैं इसमें मौजूद होता है। स्टडीज़ फाउंड दैट लो लेवल्स BPA काज न्यूमरस प्रॉब्लम्स, अगर लो लेवल BPA है आपकी जो है ना वाटर बोटल्स में या फिर डैम की, वो क्या काज कर सकते हैं हमारे पास, ब्रेन डैमेज हो सकता है, अर्ली पॉवर्टी हो सकती है आपको, या फिर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या फिर हार्ट डिजीज प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसके अलावा 2008 में जो एक FDA कंक्लूडेड दैट द BPA इन फूड एंड ड्रिंक कंटेनर डज नॉट पोज अ हेल्थ हैजर्ड, जो कि 2008 में एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक फूड कंटेनर्स में या आइटम्स में है वो ज़्यादा आपको जो है ना हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं करती। लेकिन 2010 में जो कनाडा ने जो BPA को क्लासिफाई किया, उन्होंने इसे एक टॉक्सिक केमिकल का नाम दिया और इसे बैन कर दिया बेबी बॉटल्स में, ताकि बेबीज़ को जो है ना इसके हार्मफुल इफेक्ट से बचाया जा सके। फैथलेट्स हैं जो कि डिटर्जेंट्स हैं जो कि हमारे पास मौजूद होते हैं डिटर्जेंट्स की सूरत में या फिर परफ्यूम्स में, कॉस्मेटिक्स जितनी भी हमारी हैं या सोप्स शैम्पू वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें टॉयज़ हैं आपके, टीथिंग रिंग्स हैं, या फिर मेडिकल जो यूजेज है जो कि हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है उनमें ये फैथलेट्स जो है ना हमारे पास मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कैन कॉज कैंसर हो सकता है फिर या फिर दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब जो है हम इन केमिकल हैजर्ड्स को एवेल्युएट कैसे कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं इसको एवेल्युएट करने के लिए, जिसमें पहला है टॉक्सिकोलॉजी क्या है जी, ये स्टडी है एक हार्मफुल इफेक्ट की केमिकल्स की जो कि ह्यूमन पे या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे जो होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ द हार्मलेस ऑफ अ सब्सटेंस, हार्मफुलनेस कि एक सब्सटेंस कितना नुकसानदेह हो सकता है किसी भी इंसान या जानवर के लिए, उसे हम क्या कहेंगे टॉक्सिटी। एनी सिंथेटिक और नेचुरल केमिकल कैन बी हार्मफुल इफ़ इंजेस्टेड इन अ लार्ज इनफ क्वान्टिटी, कोई भी सिंथेटिक केमिकल या नेचुरल केमिकल है वो हार्मफुल हो सकता है अगर उसे लार्ज क्वान्टिटी में इन्हेल किया जाए। टॉक्सिक केमिकल्स यूजली हैव अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन फीटस, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन देन ऑन एडल्ट्स, जो ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं इनका ज़्यादातर
जो ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं वो हमारे पास न्यू बॉर्न बेबीज़ हो सकते हैं या फिर बच्चे हैं जो वो हो सकते हैं, जो अडल्ट हैं वो इससे इतने ज़्यादा मुतासर नहीं होते। मेजर फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द हार्म कॉज्ड बाय सब्सटेंस, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं कोई भी केमिकल सब्सटेंस, उसके मेजर फैक्टर्स क्या हैं जी? सोलबिलिटी है, वाटर सोलेबल टॉक्सिन्स हैं, अगर वो वाटर सोलेबल है तो वो हमारे जो है ना थ्रू आउट द इन्वायरमेंट वो क्या कहते हैं उसे मूव करना शुरू कर देगा। और जब हम वाटर जो है ना ड्रिंक करते हैं तो उसके साथ वो हमें हमारे जो है जिस्म के अंदर चला जाता है, जो कि डिफरेंट जो है ना टाइप्स की हमें फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है तो जाके जिसमें भी डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अ सेकेंड फैक्टर इज़ अ सब्सटेंस प्रिसिस्टेंस, मैनी केमिकल्स सच एज DDT आर यूज प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दियर प्रिसिस्टेंस आर रेजिस्टेंस टू ब्रेक डाउन। रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट। ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं, प्रिसाइसली यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते। थर्ड फैक्टर क्या है? इज़ अ बायो एक्यूमुलेशन इन विच सम मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब एंड स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर टिश्यूज एट हायर देन नॉर्मल लेवल। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि टिश्यूज़ या तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर स्टोर कर लेते हैं, जो कि उनका नॉर्मल लेवल है उससे ज़्यादा लेवल पे। फोर्थ हमारे पास जो है वो है जी बायो मैग्निफिकेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है ना पोटेंशियली टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में मैग्नीफाइड हो जाते हैं और ये जो है ना पास कर जाते हैं फूड वेब्स और फूड चेन्स में। ऑर्गेनिज्म जो कि लो ट्रॉफिक लेवल्स पे होते हैं वो इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। बट ईच एनिमल ऑन अ नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इट्स मैनी ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स विल टेक इंक्रीजिंगली लार्जर अमाउंट। मीन्स जो लो लेवल पे हैं उनमें ये मिकदार कम होती है, जबकि जैसे लेवल हायर होता जाता है इसकी मिकदार भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है केमिकल इंटरेक्शन। केमिकल इंटरेक्शन दैट कैन डिक्रीज आर मल्टीप्लाई अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अ टॉक्सिन। केमिकल इंटरेक्शन जो है या तो आपको कम कर सकता है या फिर हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं उनको बढ़ा सकता है। प्राइमरी एग्जाम्पल्स अगर हम इसके देखें, जो प्राइमरीली एग्जाम्पल्स हैं वो विटामिन ई है या ए है, कैन इंट्रैक्ट टू रिड्यूस बॉडीज़ रिस्पॉन्स टू सम कैंसर काजिंग केमिकल्स। ये जो है ना बॉडी का रिस्पॉन्स जो है कैंसर काजिंग केमिकल्स जो हैं उनको रिड्यूस कर देता है। द मोस्ट वाइडली साइंटिस्ट, अब जो नेक्स्ट हेडिंग है इसकी वो है जी साइंटिस्ट यूज लाइव लेबॉरेटरीज एनिमल्स एंड नॉन एनिमल टेस्ट टू एस्टिमेट टॉक्सिटी। टॉक्सिटी को मैयर करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं वो लाइव लेबॉरेटरीज एनिमल्स की या नॉन एनिमल्स टेस्ट की जो है ना कंडक्ट करते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग टॉक्सिटी इज़ टू एक्सपोज अ पॉपुलेशन ऑफ लाइव लेबॉरेटरी एनिमल्स टू मैयर डोजेज ऑफ अ स्पेसिफिक सब्सटेंस अंडर अ कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल्ड कंडीशन में जो है किसी भी पॉपुलेशन की जो है एनिमल्स की या नॉन एनिमल्स की जो डोज है उसको एक्सपोज किया जाता है ताकि उसकी जो है टॉक्सिटी मैयर की जा सके। लैब माइस एंड रैट्स आर वाइडली यूज्ड बिकॉज देयर सिस्टम्स फंक्शन समवट लाइक ह्यूमन सिस्टम। चूहे वगैरह हम जो है ना इसमें लैब में उनका टेस्ट करते हैं क्योंकि उनका सिस्टम जो है तकरीबन इस तरह ही बिहेव करता है जैसे एक ह्यूमन सिस्टम बिहेव करता है। ये जी डोज रिस्पॉन्स कर्व बताता है हमें, डिटरमाइन द लिथल डोज कि कितनी डोज अवेलेबल है। मेडिएटन लिथल डोज जिसे LD50 कहते हैं इज़ अ डोज दैट कैन किल 50% ऑफ द एनिमल, जिसमें यूजुअली रैट्स होते हैं या माइस होते हैं, इन अ टेस्ट पॉपुलेशन विद इन 18 डेज पीरियड। अगर वो 18 डेज पीरियड के अंदर ही जो है ना उनकी डेथ हो जाती है तो ये मेडिएटन लिथल डोज जो है ये उसे मैयर करता है कि कितनी डोज उसे दी गई और किस जो है ना कितनी कम दी जाए तो ये असरअंदाज हो सकती है, अगर इसकी इस मिकदार से ज़्यादा हो जाए तो ये डेथ का बायस बन सकती है। ये एक आपको कर्व नज़र आ रही होगी जिसमें डोज है
और फिर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन किल्ड बाय गिवन डोज। ये नेक्स्ट टॉक्सिटी रेटिंग्स हैं या एवरेज लीथल डोजेज हैं, जिसमें आपके सुपर टॉक्सिक्स हैं एंड एक्सट्रीमली टॉक्सिक्स हैं, तो 5 to 50 है। तो ये आप टेबल आप खुद देख के पढ़ सकते हैं, जो आपको समझ भी आ जाएगा। नेक्स्ट है, देयर आर अदर वेज टू एस्टिमेट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल्स, जिसमें केस रिपोर्ट इंफॉर्मेशन है कि कितने लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं और कितने लोग इसकी वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। इसको हमें रिपोर्ट करके जो है ना एस्टिमेट कर सकते हैं किसी भी केमिकल का इफेक्ट। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी विच कंपेयर द हेल्थ ऑफ पीपल एक्सपोज्ड टू अ पर्टिकुलर केमिकल। ठीक है, पर्टिकुलर केमिकल्स के अगेंस्ट कितने आपकी जो है ना हेल्थ मुतासर होती है, उसको जो है ना ये एस्टिमेट करती है ये स्टडी। यूजुअली टेक्स अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, क्लोजली लिंकिंग एन ऑब्जर्व्ड इफेक्ट विद एक्सपोजर। ठीक है, एक्सपोजर को ऑब्जर्व्ड इफेक्ट के साथ ये क्लोजली हम लिंक करके किसी भी केमिकल की सेंसिटिविटी है वो बता सकते हैं। हम किसी भी केमिकल को, उसके हैजर्ड को न्यू टेक्नोलॉजीज और केमिकल्स से एवोल्यूएट नहीं कर सकते, जिससे जिस उसके टेक्नोलॉजी से हम अवेलेट नहीं कर सकेंगे जब तक वो पीपल या लोग उससे मुतासिर नहीं होते। ये पोटेंशली हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कि हमारे घरों में तकरीबन पाए जाते हैं, जिसमें हमारे शैम्पूज हैं, नेल पॉलिश है, जिसमें डिफरेंट फेथेलेट्स मौजूद होते हैं, परफ्यूम्स हैं, हेयर स्प्रे है, टेडी बियर्स हैं, क्लॉदिंग्स हैं, बेबी बॉटल्स हैं, ये सारे जो है आपके केमिकल्स, फ्रूट्स, टाइल फ्लोर्स, वाटर बॉटल्स, कंप्यूटर, टॉयज, तो इसमें डिफरेंट पोटेंशली हार्मफुल केमिकल्स मौजूद हैं। अब है जी, हाउ डू वी परसीव रिस्क एंड हाउ कैन वी अवॉइड द वर्स्ट ऑफ देम, कि किस तरह हम रिस्क को एवेलुएट करें, किस तरह हम उसे एनालाइज करें और उससे उसके जो सबसे वर्स्ट स्टेज है उससे किस तरह बच सकते हैं। द ग्रेटेस्ट हेल्थ रिस्क कम फ्रॉम पॉवर्टी, जेंडर एंड लाइफ स्टाइल चॉइस। जो ग्रेट सबसे ज़्यादा हेल्थ रिस्क आता है हमें, वो पॉवर्टी की वजह से आता है। पॉवर्टी एक रोल प्ले करती है आपके हेल्थ रिस्क को। अगर आपको प्रॉपर आपके जो है बेसिक नीड्स नहीं मिल रही, तो आपकी हेल्थ मुतासर होगी उससे, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है ना सही डिवेल्प नहीं होगा, और फिर छोटी सी बीमारी भी आपको डेथ की तरफ ले जा सकती है। जेंडर इश्यूज हैं कि मेल्स या फीमेल्स की जो है वो डिफरेंट डिजीज़ेस हो सकती हैं उन्हें, लाइक अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर है जो वो वेमेन में होता है। इस तरह जो है ना लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं आपकी, वो किस तरह से हैं वो भी आपकी हेल्थ को जो है ना मुतासर कर सकती हैं, अगर वो बैड चॉइसेस हैं। द बेस्ट वेज टू रिड्यूस वन रिस्क ऑफ प्री मेच्योर डेथ एंड सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स आर टू स्मोकिंग से अवॉइड करें आप। ठीक है, लूज एक्सेस वेट, अगर आप वेट आपका ज़्यादा है उसे कम करें, ऐसे जो है ना फूड कम कर दें कंजम्पशन उसकी जिसमें कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, ईट अ वैरायटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, डिफरेंट वैरायटीज वेजिटेबल्स की या फ्रूट की आप यूज़ करें। एक्सरसाइज करें, अल्कोहल ना यूज़ करें। अवॉइड एक्सेस सनलाइट, ज़्यादा सनलाइट में जाने से गुरेज करें। ये सारी जो है ना ये आपके उससे आप वर्स इसकी कंडीशन से बच सकते हैं। एस्टिमेटेड डेथ पर ईयर इन द वर्ल्ड फ्रॉम द वेरियस कॉजेज, डिफरेंट कॉजेज से आपकी जो डेथ है वो कितनी हो सकती है पर ईयर, जिसमें हमारे पास पॉवर्टी है या डिजीज साइकिल है, वो तकरीबन 11 मिलियन है। टोबैको से आपकी, या तंबाकू जिसे हम कहते हैं उससे 5.4 मिलियन है। नमोनिया फ्लो से 3.2 मिलियन, एंड देन एयर पोल्यूशन, HIV एड्स, मीजल्स, मलेरिया, ये सारी जो है ना एक ग्राफ दिया गया है। अबाउट 40% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द एरियाज वेयर मलेरिया इज प्रिविलेंट। तकरीबन 47% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो इन एरियाज में रहती है जहाँ पे मलेरिया आपको हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन अ हेल्दी लंग्स एंड अ विद अ
पैरालाइज लंग्स, या जिसे हम एम्फिसीमा कहते हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो डैमेज हो चुका है। अगर स्मोकर है तो स्मोकर का लंग्स इस तरह से आपको दिखाई देंगे, नॉन स्मोकर के, या एक हेल्दी जो पर्सन है उसके इस तरह से। मोस्ट पीपल डू अ पुअर जॉब ऑफ एवेल्युएटिंग रिस्क। मैनी पीपल डिनाई आर श्रग ऑफ द हाई रिस्क चांसेस ऑफ डेथ और इंजरी फ्रॉम वॉलंटियरली एक्टिविटी दे इंजॉय सच एज मोटरसाइकिलिंग। जो है ना, कुछ लोग ऐसी काम करते हैं जो कि नहीं करने वाले होते और उसकी वजह से वो उनकी डेथ हो जाती है, जिसमें मोटरसाइकिलिंग है, जिसमें वन व्हीलिंग आप कह सकते हैं कि एक की डेथ, अगर 50 पार्टिसिपेंट हैं तो एक की डेथ लाजमी है। इस तरह स्मोकिंग है, जिस तरह हमने पहले इसको डिस्कस किया कि 250 में से एक को लंग्स कैंसर होगा और उसकी डेथ हो सकती है। हैंग ग्लाइडिंग है, जिसमें एक 1250 में से एक की डेथ हो सकती है। ड्राइविंग है, इस तरह ड्राइविंग के डिफरेंट एक्सीडेंट्स की वजह से 1 out of 33,000 विदाउट अ सीट बेल्ट, सीट बेल्ट अगर नहीं बांधेगा तो 3300 में से एक की डेथ होगी। एंड 1 60 to 6070 विद द सीट बेल्ट, अगर सीट बेल्ट है तो उसकी जो रेशियो है वो कम हो जाएगी। सेवरल प्रिंसिपल्स कैन हेल्प टू एवेल्युएट एंड रिस्क रिड्यूस रिस्क। डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे पास रिस्क को एवेल्युएट कर सकते हैं या फिर उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, जिसमें डिटरमाइन हाउ मच रिस्क आर विलिंग टू एक्सेप्ट, आप किस तरह से रिस्क को जो है ना ले रहे हैं, एक्चुअल फैक्टर्स कौन से हैं, उन कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, उन्हें जो है ना कैलकुलेट करें। कंसंट्रेट ऑन इवेल्यूएटिंग एंड केयरफुली मेकिंग इंपॉर्टेंट लाइफ चॉइस, लाइफ चॉइस अपने इंपॉर्टेंट रखें। ये डिफरेंट आपकी समरी दी हुई है, रेंज ऑफ सिटी रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल हैजर्ड बाय स्केल टाइप, ठीक है, आपके नेबरहुड हैं, वर्क प्लेस है, टाइप ऑफ हैजर्ड नेबरहुड में क्या आ सकते हैं, बायोलॉजिकल पैथोजेंस हैं, केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं, फिजिकल हैजर्ड्स हैं, वर्क प्लेसेस हैं, बायोलॉजिकल पैथोजेंस हैं, केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं, फिजिकल हैजर्ड्स हैं, ये कौन कौन से उनके टाइप्स साथ एग्जांपल्स के साथ दी गई हैं, ये आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। दैट वॉज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स।